माध्यम से बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। बोले एखन बुझिन प्रभु तुम्हार चरण, बोले प्रभु अभी हमने आपका चरण का महत्व को अभी हमने समझा। बोले क्या है? बोले अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वज्ञ। हम लोग कहते ना ठाकुर जी की चरण को स्मरण करो, ठाकुर के चरण की चिंतन कर क्या होगा, समस्त दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी हैं। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी के चरण में कत अशोक अभय और अमृत, ये तीन चीज ठाकुर की चरण में। अशोक मतलब जहाँ पर शोक नहीं, अभय मतलब जिनके चरणों को आश्रय ग्रहण कर तो जिस चरण में अभय, जिस चरण में भय नहीं। इसलिए विभीषण ने प्रभु राम के शरण को लिया है। मतलब जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण को क्या करना पड़ा, 10 बार सर को उन्होंने शंकर जी को चढ़ा दिया और कितने कठोर तपस्या किया लंका को पाने के लिए। लेकिन विभीषण ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया विभीषण ने, कुछ किया बस केवल प्रभु राम के चरण में आकर के प्रणाम कर लिया और भगवान राम ने उसको लंका की राजा, बोले लंकेश। विभीषण बोले लंकेश, लंकेश तो कौन है, लंकेश तो रावण है, आप मेरे को लंकेश कैसे बोल दिए हो, लंकेश कैसे, मतलब भगवान की चरण में तुमने आ गया ना, इसलिए आज से तुम क्या बन गया, तुम आज से तुम लंकेश बन गए हो। इतने में कहते वहां सुग्रीव थे, बोले प्रभु अब अगर 1% अगर रावण ने 1% आपका शरण में अगर आ गया तो फिर अब विभीषण को लंकेश बोल दिया, फिर आप रावण को क्या दोगे अगर 1% अगर रावण शरण में आ गया तो? बोले फिर रावण को मैं दे दूंगा अयोध्या, दे दूंगा। क्या दे दूंगा? अयोध्या। अयोध्या किस कैसे देंगे? अब तो भरत को देकर अयोध्या है, अब तो भरत को अयोध्या दिया ना, आपने लंका का राजा बना दिया किसको, विभीषण को, और भरत को क्या बना दिया, वैकुंठ का। और फिर आप कहाँ रहोगे, फिर आप कहाँ रहोगे? बोले बोले भरत को क्या दोगे, फिर बोले भरत को मैं अपना गुलों को वैकुंठ दे दूंगा। बोले आप कहाँ रहोगे? बोले मेरे लिए रहने का कोई जरूरत नहीं, भक्तों का हृदय ही मेरा स्थान है। इसलिए भगवान की चरण में शरणागत होते ही कहते क्या चीज मिलेगा, अशोक अभय और अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए बोले भगवान की चरण में कितना चिन्ह है, बोले 19 चिन्ह है। कितना चिन्ह है? कहते 19 चिन्ह की। हम कहते ना ठाकुर का चरण को स्मरण करो, स्मरण करते ही सारे दुख तुम्हारी दूर हो जाएगा। बोले कारण क्या है? बोले कारण है भगवान की चरण में स्वस्तिक है। कहते अगर ये स्वस्तिक को अगर कोई स्मरण करे तो सब समय तुम्हारी मंगल ही होगा, कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। उनकी चरण में पता का झंडा है। बोले इसको स्मरण करो तो क्या होगा, दुनिया में तुम्हारी भी झंडा, तुम्हारी भी जगत में तुम्हारी भी झंडा ऊंचा रहेगी। सब कहते ना हमारा झंडा उच्च है, इसलिए तुम्हारी झंडा भी हर समय ऊंचा ही रहेगी। उनकी चरण में कमल है, अगर कमल का स्मरण करो तो क्या होगा, जैसे कमल पुष्प से बड़ी सुंदर खुशबू निकलती है, तुम्हारी जीवन में भी बड़ी सुंदर खुशबू निकलेगी। भगवान की चरण में क्या है, चक्र है, अगर चक्र को कोई स्मरण करे तो क्या होगा, बोले तुम्हारी जीवन में जितने शत्रु है सारे शत्रु तुम्हारी नष्ट हो जाएंगी। हमारे सबसे बड़े शत्रु कौन है, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सबसे बड़ा हमारे शत्रु, कहते ये सारे शत्रु तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बोले भगवान की चरण में जाव है, अगर उसको कोई स्मरण करे ना खूब माँ लक्ष्मी आएगी घर में, खूब लक्ष्मी की कृपा होगी, खूब पैसा आएगी। कहते भगवान की चरण में गदा है, अगर गदा को कोई स्मरण करोगे तो क्या, गदा से जैसे मारते ही ऐसे ही तुम्हारी शत्रु अगर कोई होगा तो ये खत्म कर देंगे। इसलिए भगवान की चरण में शंख है, ये शंख क्या है, कहते विजय। हाँ जैसे विजय शंख बजाते ना, अगर कोई विजय हो जाए शंख बजाते हैं। कहते अगर कोई शंख को स्मरण करे तो तुम्हारी सब जगह में तुम्हारी विजय, विजय की तुम्हारी प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान की चरण में ये जितने सारे चिन्ह है ना, ये ठाकुर के चरण में 19 लाभ है अगर ठाकुर जी का चरण कोई स्मरण करेगा तो। इसलिए कहते हैं एखन बुझिन प्रभु तुम्हारा चरण अशोक अभय और अमृत पूर्ण सर्वक्षण है। इसलिए कहते जे पद लागिया ब्रह्मा तपस्या करिला, बोले जिस पद को पाने के लिए ब्रह्मा जी कठोर तपस्या की, बोले जिस पद को पा करके शंकर की शंकरत्व प्राप्त हुई, जिस पद को पाने के लिए माँ लक्ष्मी भी
अभी बेल वन में बैठ करके कठोर तपस्या कर रही है माँ लक्ष्मी, इसलिए भगवान की चरण की, इसलिए श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं ना, चरण कमले अमी आउछले ताहते नो पुर दाम, चरण कमले अमी आउछले ताहते नो पुर दाम। इसलिए कहते भगवान की चरण में अमिया मतलब होता अमृत, कहते भगवान की चरण से अमृत हर समय छलकती रहती है, अमृत छलकती रहती है। इसलिए यहाँ पर जो कृष्ण का जो चरण चिन्ह है, हम लोग एक चीज को ध्यान करके देखना, हम कहते ना ठाकुर कैसे खड़े रहते हैं, कैसे थोड़ा दिखाओ कैसे खड़े रहते हैं, ऐसे है ना, जैसे त्रिभंग ललित रूप में कृष्ण खड़े रहते हैं ना, कैसे खड़े रहते हैं है? पूरा ऐसे अपना चरणों को पूरे ऐसे रख करके कृष्ण, आप देखना ध्यान करके देखना, वो चरण ठीक वैसे ही है जैसे कृष्ण ऐसे खड़े रहते हैं, देख लो जैसे ऐसे ऐसे ना कृष्ण जो बंसुरी बजाते हैं, जैसे कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं, देखना वो जो चिन्ह देखोगे वो तीन जगह से कृष्ण जैसे शास्त्र में वर्णना की गई ना, ये चिन्हों को ठीक वैसे देखोगे, ये चिन्ह भी ठीक वैसे ही ये चिन्ह है ठाकुर जी की। इसलिए कहते कृष्ण की जो बंसी ध्वनि है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण की जो बंसी ध्वनि है, कहते उनका दो तीन तरह का उनकी बंसी ध्वनि है, एक होता है गोपीभूत मनोहर और एक होता है और क्या होता है सर्वभूत मनोहर। कृष्ण अलग अलग समय में कृष्ण अलग अलग तरह का बंसी ध्वनि करते हैं, इसलिए बंसी बैठक को नीचे कृष्ण जब खड़े होकर के उन्होंने बंसी ध्वनि की, कहती कौन सा बंसी ध्वनि है, कहती ये गोपीभूत मनोहर है। अगर वो केवल कृष्ण कहते ना जगो कलो बाम दृशा मनोहरा, वहां पर उन्होंने क्लिंग शब्द उच्चारण किया है, लेकिन वो क्लिंग शब्द की ऐसे मधुरता थी, कृष्ण उच्चारण तो उन्होंने क्लिंग शब्द की, लेकिन राधा रानी क्या सुन रही थी, बंसुरी से केवल राधे 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 राधा रानी का नाम निकल रही है, ललिता सुन रही थी बंसुरी से केवल ललिता ललिता की नाम आ रही है, जितने सखियां सबके सब अपना अपना नाम को ही सबके सब श्रवण कर रहे थे। क्यों? अगर वो बंसी ध्वनि सर्वभूत मनोहर होता है ना, अगर बंसी ध्वनि का सभी सुन सकते, अगर ऐसे होता तो क्या होता, संपूर्ण ब्रज के सब लोग ही सबके सब वहां पर उमड़ पड़ते, लेकिन वो था गोपीभूत मनोहर बंसी था। इसलिए वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं, जो बंसुरी में कभी मणिमय है, एक होता है मणि से बनी हुई, कभी होता है बंसुरी से बनी हुई होता है, कभी वो बंसुरी से बनी हुई होती है। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती है, क्या कहती है, बोले अगली जीवन में मैं तो और कभी ये राधा बनकर के नहीं आऊंगी, अगर अगली जीवन में मैं आऊंगी ना, कहते मैं ये बंसुरी बनकर के मैं आऊंगी। बोले क्यों? बोले देखो ये बंसुरी की, क्या बंसुरी की चमत्कारिता है, कृष्ण गोप हम गोपी, अभी कृष्ण की अधरा मृत में तो हमारी अधिकार है ना, लेकिन ये बंसुरी को देखो, ये बंसुरी तो अंगूठा दिखा दिखा करके सारे रस को यही बंसुरी पान करता है, सारे रस को बंसुरी पान। कृष्ण का अधर कैसे है, कृष्ण का अधर कैसे है, बड़े सुंदर बिंब फल जैसे कृष्ण की अधर है। कीर्तन हरिबोल कीर्तन हो गया, सुचारू हो गया। इसलिए राधा रानी महाराज जी लगता है बैठने का चलो, हाँ चल चलते उधर उधर नहीं करना, हाई बोला बहुत लोग उधर से जाएंगे ना। हाँ
कथा कौन पूरा है लोग अच्छे नहीं अभी ये हाई होला करे बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ चलो उधर उधर ही बैठेंगे।